हमारी जो पूजा है वो शुरू हो चुकी है, मतलब ऐसे तो शुरू नहीं हुई है, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सिंपल डेकोरेशन रखी हुई है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे फ्लावर की डेकोरेशन करूँगी इस वजह से। बाकी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, कम टाइम में कम चीज़ें अगर करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं चौक पूर रही हूँ, मेरे पास ना अभी टाइम थोड़ा सा कम है, तो अगर कोई चीज़ प्रॉपर परफेक्ट ना लगे कि अरे ऐसे ऐसे कर रही हो तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैं अकेली हूँ, मेरे लिए बहुत लाचार हूँ, लाचार तो नहीं हूँ लेकिन डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, मतलब एक इंसान अकेले रहता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको समझ ही नहीं आता वो शुरू कैसे करे। लाइक मेरे साथ ये सेम चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि काम मेरे पास बहुत होते हैं। बाहर की डेकोरेशन दिखा दो कितनी अच्छी की है अपन ने। अगर एक चौक खोल रहा है चौक और टाइम लगेगा 1.5 घंटा। ये है मेरा डे लुक, आप लोगों को कैसा लगा बताना। वैसे मैंने ये बहुत ही प्यारा सूट पहना है, ये मीशो से लिया था मैंने, मतलब ये एंड धनतेरस के लिए मैंने लिया था, ये छोटी दिवाली के लिए लिया था बट नहीं पहना थोड़ी। अभी कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा लुक बताना। वैसे मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि अब देखो आप समझते हो, बाकी मैंने आप पूजा विस्तार ली है और पूजा विस्तार दिखा दी थोड़ी, पूजा तो हमारी यहाँ पे लग गई है लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लगना बाकी है, और ये सब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखिए अभी मेकअप तो मुझे कुछ करना नहीं है, बस हल्का सा लिपस्टिक का और काजल का टचअप कर लूँगी ताकि मेरी आईज़ और लिप्स अच्छे दिखें, क्योंकि अब दिन भर हो गया मुझे, और थोड़ा हेयर स्टाइल में कुछ कर लूँगी, अदरवाइज़ जूड़ा बना लूँगी चेंज कर लूँगी, साड़ी पहनूंगी, और कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ मुझे अभी खुद भी आइडिया नहीं है। और खाने में मैंने छोले की सब्ज़ी और खीर बनाई हुई है, और अभी अभी अठवारी भी बना ली है, बाकी जो भी काम है वो रह गया है तो वो भी कर लेंगे। निशिका हमारी तैयार है, जो खुद से तैयार हो गई है, बस उनकी हेयर स्टाइल मुझे बनानी है, ड्रेस चेंज करना है, और ड्रेस चेंज करना और हेयर स्टाइल मुझे बनाना है, बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज दिवाली है और डेकोरेशन भी आप लोग आप दिखा देना पहले बाहर से लेके नीचे तक, क्योंकि अब बॉर्डर अब डली है तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग को डेकोरेशन वगैरह देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। सो गाइस हमारी काफ़ी हद तक डेकोरेशन हुई है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये मैंने बनाया है, इसको इधर से बॉर्डर करना है, और इस साइड की रंगोली मैंने बनाई है, उस साइड की उन्होंने बनाई है, और वो मोर है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसी डेकोरेशन है, बाकी मैंने पूरे घर में थोड़ी थोड़ी बॉर्डर डलवा दी है ताकि अच्छा टच आए, ये देखिए, और तो एक जो डियर हैं उनसे मैंने बॉर्डर डलवा दी है, तो कुछ इस तरीके पूरे घर में बॉर्डर रहेगी, ये देखिए बहुत ही प्यारा मतलब लुक आएगा। तो मल्टी कलर की बॉर्डर डलवा रहे हैं, बाकी रेड रेड कर दूँ बॉर्डर, अंडर बॉर्डर, ठीक है, चल इसको कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से।
माता रानी किनारे में टिका दू ना माता के फोटो से माला एक होते उनको मेहर बाबा को पहना दीजिए ऐसे ही ऐसे जी लाए तो हम डेकोर उसके सजाने के लिए थे लेकिन भी बच गई हमने कहा जी सही को पहना दूं हाँ एक लक्ष्मी माता को पहना दूं खुशबू से आने लगी सुलझा लो गाना तो सो गाइस यहाँ पे लगने लगा है होम। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से पूजा होती है हम वैसे ही करते हैं। सबके यहाँ की पूजा थोड़ी अलग होती है, तो जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि अरे आपने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो देखिए क्या होता है ना सबके यहाँ की अलग अलग होती है। और जैसे पूर्वजों से चलती आ रही है, मैं सोचती हूँ कि कहते ना पूर्वजों की परंपरा पे चलना चाहिए, तो मेरी भी कोशिश वही रहती है। कई चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं अरे हमारे यहाँ तो ऐसी होती थी बट यहाँ पर वैसी नहीं होती है, तो फिर मैं ऐसा भी नहीं करती, नहीं नहीं वैसे ही करो। और इस बार एक चेंज आया है वो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि पापा से मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, मैंने जैसे बोला ही था कि मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ कोई चीज़, लेकिन इन्होंने बोला कि पापा अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, अगरबत्ती बांस की होती है। तो फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन फिर अगरबत्ती तो शुरू से लगती आ रही हैं तो फिर अगरबत्ती की जगह क्या लगाएं, तो मैंने कहा अरे धूपबत्ती है धूपबत्ती ही लगा दो, फिर धूपबत्ती लगाई। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हाँ चेंज, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं मेरे मुँह से ना बोलूँ, फिर वो अजीब लगता है। एंड यहाँ पर हमारा जो होम धूप है वो हो रहा है, तो सबसे पहले कहते हैं ना कि जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद टीका वगैरह लगाना चाहिए, उसके बाद होम लगाना चाहिए। तो यहाँ पर बस वही चल रहा था। और हमारी जो दीपावली की पूजा थी वो बहुत अच्छे से हुई। आई नो ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप लोग भी समझो मैं अकेली हूँ, और जब मैं अकेली पढ़ती हूँ ना मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, जिस दिन त्यौहार रहता है पूरा दिन ही निकल जाता है, क्योंकि आपको बेस्ट देना है। मतलब चार लोगों का काम अगर आप अकेले समेटने की कोशिश करोगे, पता है सेम डे मैंने पूरी डेकोरेशन की, मतलब जो लड़ी वगैरह की डेकोरेशन होती है, मैंने अकेले नहीं मेरे हस्बैंड ने भी साथ दिया था मेरा। उसके बाद पता क्या हुआ, रंगोली, फिर हम मार्केट गए डेकोरेशन वगैरह करके, और नॉर्मली जो खाना बनता है वो तो बन ही रहा था। उसके बाद हम मार्केट गए, फिर व्रत भी था मेरा, फिर वहाँ से आए तो फिर फूल वगैरह लेके आए, तो दो ढाई घंटा में मार्केट में लग गया। घर आई मैंने फटाफट शाम का खाना बनाया, खीर और सब्जी वगैरह बनाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, रंगोली के लिए मैंने दो लड़कियों को बुला लिया था, वो मेरे पास में ही रहती हैं, तो उन लोगों से फूल वगैरह तोड़वाए और साथ में रंगोली डलवाई। उसमें मैं पूरे टाइम साथ में थी एंड मैंने भी रंगोली बनाई, उसमें भी टाइम लगा। फिर उतनी ही पूजा पाठ का सामान यहाँ पे लाना, बार बार किचन से सब कुछ अच्छे से जमाना, मतलब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ पॉसिबल थोड़ा कम ही हो पाता है। लेकिन हाँ ये है कि एट द एंड होता क्या है वो मैटर करता है, तो मेरा जो एंड में पूजा हुई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी पूजा जो थी 9:30 बजे तक हो चुकी थी। हर साल हम थोड़ा और लेट हो जाते थे, लेकिन इस बार इतना लेट तो नहीं हुए, लेकिन हाँ लेट तो हो गए थे। एंड यहाँ पर पता है मैं
बार बार मेरे कान पे मेरी वो जा रहा है, मतलब ध्यान जा रहा है। रीज़न ये था, मेरा जो ईयर रिंग था ना वो बहुत, उसका पेंच इतना ढीला था ना कि वो बार बार गिर जा रहा था, क्योंकि हैवी ईयर रिंग था, तो मैंने फिर निकाल के रख दिया। तो मैं तो बस माता रानी से यही कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी में माता रानी खूब सारी संपत्ति, सुख और संपत्ति, और आपके घर में शांति सब कुछ लेके आए, और हमारे घर में भी, क्योंकि कहते हैं ना जो सब के लिए सोचता है भगवान उसके लिए अपने आप सोच लेता है। मेरा तो वही विचार है और मैं उस चीज़ पे अमल भी करती हूँ। और यहाँ भी हमारी जो पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, अब बस आरती करनी है। तो चलिए आरती करते हैं। तो आरती तो हो रही है, बट मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं खड़ी हूं और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा पेटीकोट नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं, मैंने जो साड़ी पहनी है वो ऑर्गेंजा में है, और इसका पेटीकोट मुझे नहीं याद है। मैंने मतलब स्टिच करवाया था उसको, तो मैंने उठाया है कि नहीं उठाया है, मतलब स्टिचिंग के बाद, और अगर उठाया तो मैंने कहाँ रख दिया है। मैंने पहले तो बहुत ढूँढा, और क्योंकि मैंने ये साड़ी का ब्लाउज़ पहन लिया था तो मुझे फिर यही साड़ी पहननी पड़ी, क्योंकि या फिर मैं ऐसा करती कि ब्लाउज़ के ऊपर दूसरी साड़ी पहन लेती, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा जो मिल रहा है पहन लो मेगा, तो मैंने मेरे पास सामने जो जौन सा भी पेटीकोट आया मैंने वही पहन लिया। मैंने ये चीज़ यहाँ इसलिए क्लियर कर दी क्योंकि आप लोगों को लगेगा, तो देखिए जल्दबाजी की चीज़ें ना हमेशा कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि बाकी सारी चीज़ें अच्छी हों। अगर मुझ में थोड़ी सी कमी रह जाए कोई बात नहीं, लाइक आप देखो मैंने यहाँ पर मेकअप ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और काजल, मतलब लाइनर भी मुझे फुल लगाने को नहीं मिला था, एक होता है कॉर्नर पर बस लगा लिया था थोड़ा सा, तो वो होता है टाइम कम बचता है, मेरे से पिन लगाते नहीं बन रहा, तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे पिन लगाना नहीं आता है, मुझे हेल्प लगती है पिन लगाने में, क्योंकि मेरा पीछे इतने हाथ जाता नहीं है, ऊपर से मेरा मतलब अभी इस टाइम पे तो हाथ वगैरह बहुत दर्द हो ही रहे थे, तो मेरे जो हस्बैंड है ना उन्होंने मतलब वो भी नहीं मेरी हेल्प कर पा रहे थे क्योंकि बाकी चीज़ों में बिज़ी थे, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हो गया। कोई बात नहीं, चलता है अगली बार और अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी कर पाएँ ताकि हम लोगों को भी टाइम मिले। यहाँ पे मेरी मीशिका का मैंने जो लहंगा मंगवाया हुआ था वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था, मेरा मंस बहुत स्मार्ट लग रहा था, मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट, मेरे पापा जी सब कोई बहुत अच्छे लग रहे थे, और हमारी जो दिवाली थी वो भी बहुत अच्छी गई थी। बस मैं तो ये बोलती हूँ माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। मैं कभी नहीं बोलती मेरे पास बहुत धन दौलत होनी चाहिए, नहीं, लेकिन जितनी है उतनी काफ़ी होनी चाहिए, मतलब मेरे घर में उतने में हमारी पूर्ति होनी चाहिए, और यही इंसान को सोचना चाहिए कि है उसमें खुश रहो। सुंदर मंदिर चीरु दधी जाता, मैया चीरु दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, सब संतों की जय, बोलो धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, माता पिता की जय, अपने गुरुजनों की जय। सो गाइज आरती वगैरह करने के बाद, बाकी अचवाने के बाद हम लोग अब लगाने लग गए हैं पूरे घर में दिए। तो जो 21 दिए होते हैं वो तो पहले लगाते ही हैं, जो कि मिट्टी के होते हैं और काफ़ी शुभ माने जाते हैं। यहाँ पे हमारे दादा दादी जी हैं और यहाँ पे अब हम सब जगह एक एक दिया रखेंगे। कैंडल वगैरह तो पता क्या होती हैं, अगर आपको लगाना है तो बाद में लगा लो, या फिर जो, लेकिन मेन जो दिए होते हैं जो दीपावली पे जलाए जाते हैं उनको पहले लगा देते हैं हम लोग। और मैं मतलब मेरा ये रहता है कि पहले ये कर लो, क्योंकि बाद में क्या होता है ना मिट्टी के दिए जो होते हैं ना वो जल्दी गर्म हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है उनको रखने में। तो ये एक हमारा डोर है जो कि हमारी माता के मंदिर से होते हुए रहता है ताकि क्या बोलते बाकी लोग आए दर्शन आराम से कर पाएँ, ये हमारा मेन डोर है। और यहाँ पे मैंने दिए वगैरह रख दिए हैं। मुझे लग रहा था ये फ़ोटो खींचना तो मैं बढ़िया पोज दे रही हूँ, बाद में मुझे पता चला नहीं ये तो वीडियो थी। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी छत पर और छत पर भी दिए रख रही हूँ यहाँ पर।
तो छत पे हमने लाइट वगैरह लगवाई थी कि हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, बट सच बताएं इतने टाइम तक तो ऐसी थक गए थे ना कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीडियो वगैरह बनाने की। मैंने कहा जो हो गया सो हो गया, चलो फटाफट से दिए रखते हैं और पापा को खाना देते हैं, क्योंकि पापा का एक टाइम होता है उसके बाद लेट हो जाता। बच्चों के लिए कुछ पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं मंगवाए थे, सब ऐसे मंगवाए थे जो बच्चे आराम से फोड़ सकें और ताकि उनको लगे कि दिवाली है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बैन है, मतलब मिले ही नहीं, और जब मिले तो बहुत ही महंगे मिले, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई ख़रीदने की। और जिन्होंने ख़रीदे तो सिर्फ बच्चों की वजह से, जैसे कि हम लोगों ने भी ख़रीदे थे तो सिर्फ बच्चों की वजह से, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी केसेस हो गए ना, यही पटाखा फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई थी उसकी वजह से बैन है यहाँ पे। बापरे बहुत तेज लगा रहा अभी, मंच पर टांगे ऐसे लगा, मंच कैमरा चालू है, फोटो खींच रही है। हमारी हालत तो बहुत खस्ता है, हमको इग्नोर करो। जी आए जी, कहाँ जी जी जी।